गुड इवनिंग, कैसे आप सभी लोग। आज सुबह मैं आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं दिन में आऊँगा, पर दिन में मैं आ नहीं पाया। उसके पीछे कारण ये था कि जब मैं लौटा मुंबई से भोपाल, उसके बाद मैं चला गया अपनी साइट पर। कई बच्चे बोलते हैं, सर जो कमांड सेंटर बन रहा है, एक बार उसका हमको टूर करा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए। तो बेटा देखो, ऐसा है ना, उस कमांड सेंटर में भी इंटीरियर का काम चल रहा है, ठीक है ना। मतलब स्ट्रक्चर पूरा बन चुका, सब हो चुका, दीवारें वीवारें अभी से पेंटिंग, अभी आज जैसे देखा मैंने, आज पूरा दीवारों की पेंटिंग हो रही है वहाँ पर। जो ग्लास जहाँ जहाँ लगने हैं, ग्लास होता है पार्टीशन में ग्लास लगने हैं, वो लग रहे हैं। आपका जो क्लासरूम वाला एरिया है वहाँ पर बेंचेस जो है ना, क्योंकि बेंचेस जो है बनती है, तो बेंचेस के टॉप फिट हो रहे हैं उसमें। और उसमें जो है वो स्टेज वाला काम चल रहा है अभी ऑलमोस्ट, मतलब जिसे बोलते हैं फाइनल फिनिशिंग वाला जो वर्क होता है वो वर्क चल रहा है। और ये वर्क बहुत मतलब बारीक वर्क होता है इसमें, कि जो है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग जाती है, सब होता है उसमें, लाइट्स लगती हैं उसमें, तो वो सब काम चल रहे हैं। तो मेरे इंटीरियर डेकोरेटर ने बोला है कि सर 25 तारीख तक मोस्ट ऑफ दी काम मैं आपको कर दे दूंगा, 25 अप्रैल तक, ठीक है। मैंने उसको बोला भाई ऐसा मत करना क्योंकि बच्चे हमारे आ जाए, तुम तब तक काम करते रहो। तो लेकिन तब भी मैं बोलूँ आपसे कि बिल्डिंग बड़ा बिल्डिंग है और उसमें चूँकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर, तो कुछ काम ऐसे हैं जो अपना बैच शुरू होने के दौरान पैरेलल में छोटे छोटे काम कुछ चल रहे होंगे, कि भाई जैसे कुछ लाइट लगाना है, कुछ करना है, मतलब फिर हमारी आपकी नीड के अकॉर्डिंग में कुछ चीज़ें उसमें होंगी, कि भाई ये चीज़ इसमें होना चाहिए थी, ठीक है ना। तो अभी काम जो है वो फुल फ्लॉन उसमें है। और सामने, सबसे सामने आप में से कुछ बच्चों ने कहा, सर आपने अब तक हमको वर्चुअली पिक्चर दिखाया, आपने अब तक हमको असली नहीं दिखाया नहीं, ठीक है। तो असली पिक्चर मैं आपको एक दो दिन में शेयर करूंगा। सामने क्या था, सामने जो ग्लास फैसेट था ना, वो पूरा ग्लास का फैसेट बना, आपको जैसे मैंने पिक्चर दिखाया था, एनिमेटेड वीडियो में दिखाया था, तो पूरा वैसा ही ग्लास फैसेट बना हुआ है। तो उसको लगाने के लिए, उसमें सिलिकॉन करने के लिए, मतलब ग्लास लगाने के बाद में गैप ना रहे, तो एक सिलिकॉन लगानी पड़ती है उसमें, और ग्लास की सफाई होती है, तो वो सारा काम चल रहा है। तो बाहर लकड़ी के खूब सारे वो जो है सपोर्ट लगे हुए हैं बाहर, एक बार वो काम पूरा हो जाए, लकड़ी के सपोर्ट पूरे निकल जाए, अंदर का कुछ दिखा ऐसा हो जाए कुछ, कि जिसमें को आपको फाइनल फिनिश की फीलिंग आए। नहीं तो क्या होगा, आप बोलोगे अरे सर यहाँ तो जो है वो एक टाइल लगा हुआ है, यहाँ पे दीवार में तो सर ये है वो अभी पेंटिंग नहीं हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो वो आप ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, मेरा खुद का मन है कि मैं आपके सामने उसको उसका अनावरण करूँ, दिखाऊँ आपको कि कमांड सेंटर में क्या फैसिलिटी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँ कि क्या है कि ये काम इतना बड़ा है टास्क ये, और मौसम वेदर जो है भोपाल में क्या दिक्कत हो रही है कि वेदर थोड़ा सा इस समय ज़्यादा गर्म होता है इस समय अप्रैल मई में। और चूंकि हम लोग तो बॉम्बे से आए, तो हमको तो वहाँ साल भर वेदर एक जैसा होता, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा गर्मी रहती है। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम यहाँ पे जैसे हुआ कि कई बार लाइट चिंदे में चला गया, चार चार घंटे लाइट नहीं, मेंटेनेंस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कट होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं, और वो हर टायर टू सिटी में एक जैसा है वो, ठीक है, हर टायर टू सिटी में एक जैसा है। तो खैर, तो मेरा भी मन है कि मैं आपको पूरा सेंटर दिखाऊं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा उसमें, ठीक है ना। मतलब आप 2-5-10 दिन और रुक जाइए, फिर आपको हम दिखाएंगे पूरा सेंटर, कि आपका सेंटर है कैसा। और लेकिन कुछ बच्चे उनको लगता है कि सर सेंटर दिखाओगे तो हम एडमिशन लेंगे आपके यहाँ पर। तो भाई ऐसे ऐसे बच्चों से हमें क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है ना। तुम जो है वो जो गुरु है ना, वो यदि पेड़ के नीचे बैठकर भी पढ़ा देगा आपको, जमीन पर बैठा के खुद पेड़ पर बैठ के की छाया में बैठ के पढ़ा देगा ना, तो शिक्षा तो वो होती, शिक्षा का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, हम हालांकि कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जो जो मेरे घर में भी ना हो उससे बेहतर अरेंजमेंट मैं आपको वहाँ पर कर दूँ, ठीक है ना। कोशिश पूरी कर रहे हैं, जैसे कि पूरा हम लोगों ने पूरा एयर कंडीशन बनाया हुआ है उसमें। क्लासरूम आप देखोगे उसमें कितना, मुझे लगता है कि शायद 30 या 40 टन का एसी लगा उसमें, मतलब डक्टेबल एसी लगे हैं बड़े वाले उसमें के, और एकदम मतलब अच्छा कूलिंग रहे उसके अंदर। और बिजली जाने पे कभी क्लास डिस्टर्ब ना हो तो जनरेटर लगा उसमें, उसमें लिफ्ट लग रही है उसमें से भी, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो हो रहे हैं उसमें। और मैंने कहा ना कि जैसे कैंटीन है, कैंटीन का ऑपरेशन जो है वो अपन जब आप आ जाओगे आपकी नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैंटीन का पूरा सिस्टम बन जाएगा, पूरा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चूंकि आपका बैच जो ग्रेटर बैच है वो फर्स्ट बैच रहेगा वहाँ पे बायोमेंटस के कमांड सेंटर में, तो जो भी छोटी बड़ी कमियाँ होंगी उनको फिक्स करेंगे भाई। हो सकता है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम यूज करते हैं तब कुछ चीजें हमको मालूम चलती हैं। और ये बातें मैं बिल्कुल साफ गोई और ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आप सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन सामने वाला जब कोई एंड यूजर जो आते हैं तो उससे फिर हमको कमियां मालूम होती है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये चीज ठीक करना है, इसमें ये चीज फिक्स करना है, ठीक है ना। आवर टीम इज डूइंग गुड, वो अपने लेवल पर अच्छा काम कर रही है। खैर, दूसरा रही बात कि ये मैंने आपको कुछ बच्चों ने ये भी क्वेरी किया कि सर जो बॉयज हॉस्टल है उसकी संख्या कम है। एक्चुअली क्या हो रहा है
कि लड़कों के लिए यहाँ पे जो बहुत बड़े मतलब यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस भी यहाँ पर है भोपाल के अंदर, एजुकेशन हब है भोपाल भी। तो यहाँ पर जो है वो ट्रेंड ये है कि लड़कों को लड़क पूरे के पूरे मोहल्ले में, कई ऐसे मोहल्ले यहाँ पे लड़कों के लिए ढेरों कमरे अवेलेबल है। जैसे दिल्ली में बेर सराय, दिल्ली में बेर सराय, जिया सराय में जो माहौल है ना दिल्ली के अंदर, कि कमरे 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 ढेरों कमरे मिल जाते हैं, तो भोपाल में भी क्या है कि कमरे ढेर सारे अवेलेबल है। कि जो बच्चे लड़के हैं, कि मान लो आप यूपी के हैं, प्रयागराज के, आपका कोई दोस्त दूसरा प्रयागराज का, आप बात के लिए भी अपन दोनों मिलकर कमरा लेते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही स्टेट से एक ही शहर से, दो अलग अलग शहर के तो वो भी साथ शेयर कर लेते हैं। तो आप लोग अपना मिलकर एक बार फिर वो भी कर सकते हैं। गर्ल्स ने तो हॉस्टल बुक करना शुरू कर दिया, लड़कियों ने तो वो कर ले। बाकी हम लोग और भी देख रहे हैं कि क्या और बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप पहली बार, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, भोपाल में ऑलरेडी होशंगाबाद से और रीवा से, सतना से, गुना से, अलग अलग दूसरे जिलों से बच्चे आते हैं, रहकर यहाँ पढ़ते हैं, हॉस्टल्स यहाँ पर हैं, ठीक है, रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये तो बात की मैंने कमांड सेंटर के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि आज मेरे को बड़ी अच्छी किताब मेरे हाथ लगी, जो एयरपोर्ट पर क्रॉस वर्ड होता है वहाँ से मैंने ली, वाई वी डाई, ठीक है। ये बुक लिखी है वेंकी रामाकृष्णन ने, जिनको नोबल प्राइज़ मिला हुआ है मॉलिकुलर बायोलॉजी का, नोबल प्राइज़ विनिंग मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने इसमें बताया कि हमारा जैसे बायोलॉजी, इन्होंने मॉलिकुलर बायोलॉजी को कनेक्ट को डीएनए को कनेक्ट किया है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से और हमारे जीवन से। इनका बोलना है कि सब कुछ, हम जो कुछ भी है ना, सब डीएनए का खेल है। इस बुक के शुरुआती कुछ पेज मैंने पढ़े और अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ना बाकी इस बुक में, मतलब मैं भी इसके कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकता हूं। मैं पढ़ूंगा पहले जब भी मुझे वक्त मिलता है। कई बार क्या होता है, जब काम कर रहा होता हूं तो कम वक्त मिलता है आपको, मतलब ड्यूरिंग वर्किंग डे, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूं कि सोने के पहले 4-6-8-10 पन्ने पढ़ लूं। पहले वाली किताब जो है ना इंटेलिजेंस के ऊपर जो किताब है वो भी मैं पढ़ रहा हूं और आधी किताब मेरी हो चुकी है, काफ़ी कुछ सीखने मिला उससे मुझे। और ये बुक मुझे फैंटास्टिक बुक लगी मुझे। मुझे लगता है सेपियंस के बाद कोई ऐसी किताब है जो सेपियंस के लेवल की है। सेपियंस के बाद कोई ऐसी बुक है जो सेपियंस के लेवल की, वो है वाई वी डाई, ठीक है, वेंकी रामाकृष्णन की बुक है। और इस बुक में उन्होंने लिखा है दिस न्यू साइंस ऑफ एजिंग एंड द क्वेस्ट फॉर इमोर्टलिटी। कहानी शुरू करते हैं ग्रीक से, मिस्र से कहानी शुरू करते हैं ये अपना, कि इजिप्ट से कहानी अपने शुरू करते हैं कि वहाँ पे क्या था उस समय। और इनका बोलना ये मज़ेदार बात है कि ये कहते हैं कि हमारा डीएनए है ना, हमको कभी लंबा जिंदा रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा डीएनए इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड है कि तुम लंबा जियो, वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि तुम और सारे डीएनए प्रोड्यूस कर दो, तुम और सारे संतानों को उत्पन्न कर दो। इसलिए इवोल्यूशन में जो है फिटनेस का मतलब होता है कि एक जीव जो अपने जैसी और अधिक संतानें प्रोड्यूस करके छोड़ जाता है वो उसका फिटनेस कहलाता है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में फिटनेस का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि एक जीव कितनी अधिक से अधिक संतानें उत्पन्न कर सकता है जो सर्वाइव कर सकती हैं। तो डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, उसको एक व्यक्ति के जीवन से ज़्यादा मतलब नहीं है। इसलिए डीएनए ऐसी चालें चलता है जो आपको आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लोडाउन करेंगे, धीमे धीमे आपके ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर देंगे और वो एक दिन डेथ का कारण बनता है। डीएनए अपनी चालें चलता है। तो इनका बोलना है कि यदि हमने डीएनए की चालों को समझकर उसको सुलझा लिया हमने, तो फिर जो है व्यक्ति ना तो बूढ़ा होगा ना अपने आप नेचुरली मरेगा, वो मरेगा दुर्घटनाओं से, वॉर से, इन चीजों से, ठीक है। तो इनका बोलना है कि मतलब सारा कुछ छिपा हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मतलब सोचिए साइंस कितना इंपॉर्टेंट है, आप मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर चीजों को समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा जीवन की कहानियां भी वहीं पर लिखी हुई है। मैं हमेशा फील करता हूं कि आप जितना अधिक अज्ञानी महसूस करेंगे, आपको लगा आपको ये नहीं मालूम, आपको वो नहीं मालूम, उतना अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आप में चेष्टा रहेगी, उतना अधिक ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। सेपियंस में एक बड़ी अच्छी बात कही है युवाल नोआ हरारी ने, कि 19th सेंचुरी के पहले, इनफैक्ट 18th सेंचुरी के मिड के पहले लोगों को इस बात का भरोसा था कि जो कुछ किताबों में लिखा है वही सही है। 16वीं सदी में लोग मानते थे कि जो हमको मालूम है वो सब कुछ सही है, उसके अलावा कुछ नहीं होता नया, ठीक है। 10वीं सदी में लोग जो है वो कुछ भी नया मानने को तैयार ही नहीं थे। 19th सेंचुरी में पहले और 18th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में, 19th सेंचुरी के शुरुआत में लोगों ने ये मानना शुरू किया कि यार बहुत कुछ मालूम नहीं है, हमको बहुत कुछ मालूम नहीं है। लोगों ने पुराने विचारों पर क्वेश्चन उठाना शुरू किया और वहीं से विज्ञान की आधुनिक शुरुआत होती है और वहीं से हम जो है बहुत आगे तक आ चुके हैं।
यूएसए के अंदर एक रिसर्च चल रही है जिसमें कि बायोनिक पेंक्रियास पे काम चल रहा है, उसमें से जो कंसल्टिंग कमेटी होती है उसमें से एक टीम मेंबर में भी हूँ, तो उसमें अभी चल रहा है कि बायोनिक पेंक्रियास जो होता है वो छोटी सी एक इक्विपमेंट है कि वो अभी जिनको प्रॉब्लम है डायबिटीज़ का उनमें जो है वो स्पेस मेकर लगता है जैसे हार्ट का, वैसे एक पेंक्रियास लगेगा जिसमें कि जो है 10 साल की इंसुलिन स्टोर होगी उसमें, और वो धीमे 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 इंसुलिन को रिलीज़ करेगा बॉडी में, ठीक है, ब्लड को सेंस करके, ग्लूकोज को सेंस करके। तो ऐसे कई ट्रायल चल रहे, मतलब अगले 50 साल में मेडिसिन का फील्ड बहुत कुछ बदलेगा। डॉक्टर का करियर सेफ है, सेफ है, सिक्योर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, सब आएगा, हमको कैसे उसको यूज़ करना वो सीखना पड़ेगा हमको। मतलब आज जैसे हम पहले ज़माने में लोग बोलते थे और हाथ से लिखा करते थे, फिर टाइपराइटर आ गया, फिर कंप्यूटर आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि आदमी वही काम कर रहे हैं सब, टेक्नोलॉजी का मदद करने से काम आसान हो गया है। आज आपको टाइपराइटर देखने नहीं मिलेगा। मैंने अपने फादर को देखा है, टाइप वो डिक्टेट करते थे, टाइपराइटर टाइप करता था, अब कंप्यूटर्स हो गए हैं। थोड़े समय के बाद ये होगा कि भैया आप जो है वो आप बोलते रहोगे चीज़ें अपने आप, आपको कीबोर्ड भी नहीं चलाना पड़ेगा, और वो चल भी रहा है, वर्ड में भी होता है वो, क्या आप बोलते रहो वो टाइप करता चला जाता है पूरा। तो विज्ञान में जो भी तरक्की हो रही है उसको संभालना की हमें कोशिश करनी पड़ेगी, वो हमें सीखना पड़ेगा। खैर आज प्रॉमिस था आपसे बात करने का, तो मैंने कहा चलो दिल खोल के बात करते हैं। ये मेरा लिविंग रूम है, यहाँ बैठे हुए हम, ठीक है, और ये जो है वो आप देख रहे हैं इसको, ये जो है वो एक मंकी है जिसके हाथ में लाइट है, ठीक है, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम बंदर थे, ज्ञान की ज्योति को अपने हाथ में लिया हमने और हम आधुनिक इंसान बने हम, ठीक है। दिस इज दी, ये मेरा मेरी पसंद का लैम्प है। एक बात चीज़ जो इस घर में है वो मेरी पसंद की वो यही है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।